हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दिस चैनल इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज फ्रॉम पी एस सी बी टेक्स इफ़ फोर्टीन थाउजेंड रुपीज इज इन्वेस्टेड एट फोरसेंट पर एन सिंपल इंटरेस्ट हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द अमाउंट टू रीच फोर्टी अब यहाँ पर फोर्टीन इन्वेस्ट किए गए हैं मतलब ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है फोर परसेंट पर एन एम सो ये आर की वैल्यू हो गई हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द अमाउंट टू रीच सिक्सटीन थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी टाइम हमें यहाँ पर नहीं बताया गया टाइम हमने फाइंड करना है सो so, टी मतलब क्वेश्चन मार्क एंड ये वाला जो अमाउंट दिया हुआ है ना ये है टोटल अमाउंट मतलब कितने टाइम के बाद आपको इतना अमाउंट मिल जाएगा सो so, ये है ए ए याद है ना आपको ए इज इक्वल टू पी प्लस आए होता है मतलब जितने भी टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर अगर आपने मनी बोरो की हुई है तो एंड में आपने कितनी टोटल मनी रिटर्न करनी है वो हम इस तरह से निकालते थे ना ए इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ठीक है सो so, इस क्वेश्चन में ओवरऑल हमने टी फाइंड करना है ए हमें दिया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट भी दिया हुआ है तो यहाँ से हम आई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे राइट देन इंटरेस्ट के फॉर्मूला में हम आई की वैल्यू पुट करके फिर निकाल लेंगे टी की वैल्यू सो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो फॉर्मूलाज लगेंगे ठीक है सो so, यहाँ पर ए की वैल्यू है रुपीज सिक्सटीन थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है रुपीज़ फोर्टीन थाउजेंड फोर्टीन थाउजेंड की उसने स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट की थी राइट एंड एंड में इंटरेस्ट के साथ वो कितना अमाउंट एक्सपेक्ट कर रहा है सिक्सटीन थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी सो ए इज इक्वल टू पी प्लस आई होता है राइट right? सो so, इस फॉर्मूला में हम ए एंड पी की वैल्यू पुट करके आई की वैल्यू निकाल लेंगे आई मतलब इंटरेस्ट. सो सिक्सटीन थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी इज इक्वल टू फोर्टीन थाउजेंड प्लस आई सो आई इज इक्वल टू सिक्सटीन थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी माइनस फोर्टीन थाउजेंड ओके सो आई इज इक्वल टू टू थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी रुपीज सो इतना इंटरेस्ट बन गया अब इंटरेस्ट पता है हमें पी भी पता है आर ये भी गिवन है हमें फोर परसेंट पर एन तो टी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं राइट right? कैसे आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन हंड्रेड आई की वैल्यू आपने निकाली है यहाँ पर पुट कर दो इसको टू टू फोर जीरो इक्वल्स टू पी फोर्टीन थाउजेंड आर फोर टी निकालना है अपॉन हंड्रेड लास्ट के ज़ीरो कट गए आपस में सो टी इज़ इक्वल टू 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 फोर ज़ीरो अपॉन वन हंड्रेड फोर्टी इंटू फोर सो टी के साथ जो ये वाले नंबर्स हैं इनको जब आप दूसरी साइड पर शिफ्ट करोगे इक्वल साइन के तो ये डिनोमिनेटर में चले जाएंगे ठीक है अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो लास्ट के जीरोस कट गए आपस में टू टू ज़ा फोर टू वन ज़ा टू टू वन ज़ा टू 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 ज़ा फोर टू वन ज़ा टू टू फाइव ज़ा टेन टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व फिफ्टी सिक्स एंड फ़ोर्टीन ये फोरटीन के साथ कट जाएंगे फोर्टीन वन ज़ा फोरटीन फोरटीन फोर ज़ा फिफ्टी सिक्स सो टी इज इक्वल टू फोर दिस इज़ दी आंसर आपने टी की वैल्यू इंटरेस्ट के फार्मूला में पुट करके निकाली है राइट एंड टी के वैल्यू जो हम इंटरेस्ट वाले फार्मूला में पुट करते हैं वो हमेशा होती है ईयर्स में सो ये आएगा फोर ईयर्स सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके दोनों फार्मूलाज यूज़ होंगे अमाउंट वाला फार्मूला भी यूज होगा पी प्लस आई एंड फिर इंटरेस्ट वाला फार्मूला भी यूज़ होगा सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इन द कमिंग वीडियोज वी विल सॉल्व मोर क्वेश्चन थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर